we are going to start with chapter number 15, a criminal in the prison. A criminal in the prison. A criminal जो जेल में था, छोटी सी स्टोरी है, इसको रीड करेंगे. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. तो माना कि शक फ्रांस और इटली के बॉर्डर्स के बीच में मेडिटेरेनियन सी जो थे उसके किनारे, समुद्र के किनारे एक छोटा सा राज्य मोनेको स्थित था. मैनी ए स्मॉल कंट्री टाउन कैन बोस्ट मोर इनहैबिटेंट्स देन हिज किंगडम फॉर थ्री आर ओनली अबाउट 7,000 ऑफ देम इन ऑल. And if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. तो इस रियासत में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लगभग 7,000 लोग जो थे वो इस रियासत में रहते थे, से ज़्यादा नहीं थे. और अगर सभी के बीच वहाँ पर जमीन को डिवाइड किया जाए उस रियासत में, तो एक एकड़ भी जमीन सभी को पर्याप्त नहीं. बट इन दिस टॉय किंगडम देयर इज अ रियल किंगलेट एंड ही हैज अ पैलेस एंड कॉर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स एंड ए बिशप एंड जनरल्स एंड एन आर्मी. लेकिन इस खिलौने रियासत में भी, खिलौने राज्य में भी एक राजा रहता था, एक असली राजा था जिसके पास बहुत अच्छा पैलेस था, मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, बिशप थे और आर्मी थी और दरबारी सभी थे. इट इज नॉट अ लार्ज आर्मी, ओनली 6 मैन इन ऑल, बट स्टिल इट इज एन आर्मी, 60 मैन. तो ये एक बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, केवल 60 लोग जो थे इस आर्मी में थे. देयर वॉज ऑल्सो एक्सेस इन दिस किंगडम एज एल्सवेयर, लेकिन इसके बाद भी ये एक आर्मी थी. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this Stoyer King's domain. इसके बाद कुछ सालों पहले यहाँ पर क्या हुआ था, एक मर्डर हुआ था और इस खिलौना राज्य में, खिलौना राज्य के उसमें एक कई साल पहले एक मर्डर हुआ था. The people of that kingdom are peaceable and such a thing had not happened before. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judges and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. इसके बाद लोगों ने, वो वहाँ के जो रियासत के जो लोग थे उन्होंने उसको सभी ना के न्यायाधीशों के सामने पेश किया. तो न्यायाधीशों ने क्या किया, उस पर विचार किया, उसके जो भी चीज़ें थी वो सबके सामने पेश की गई और उसके बाद साबित हुआ कि वो एक क्रिमिनल है और उसको सजा दी जाएगी. तो बहुत सारे निर्णयों के बाद एक फैसला लिया गया कि जो वो क्रिमिनल है उसका सर काट दिया जाएगा. सो फार सो गुड. नेक्स्ट दे सबमिटेड द सेंटेंस टू द किंग. इसके बाद नेक्स्ट डे ये सब राजा के सामने पेश किया गया. द किंग रीड द सेंटेंस एंड कन्फर्म्ड इट. उसके बाद राजा ने ये सब उसके बारे में पढ़ा और ये कन्फर्म किया, इट इज फैलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड ही, अगर ये अपराधी है तो इसको दंड दिया जाएगा. देयर वॉज ओनली वन हिट इन द मैटर एंड दैट वॉज दैट हेड नाइदर एग्जीक्यूटेड फॉर कटिंग हेड ऑफ नोर एन एग्जीक्यूटर. तो अब एक सबसे बड़ा मैटर क्या था, यहाँ पर उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ना तो कोई एक, ना तो कोई बुलेटिन थी जिससे कि वो उसका सर काट सके और ना ही फांसी देने के लिए कोई था. द मिनिस्टर कंसिडर द मैटर एंड डिसाइडेड द टू एड्रेस एंड इंक्वायरी टू द फ्रेंच गवर्नमेंट आस्किंग वेदर
The French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head. इसके बाद उन्होंने जो मंत्री से कंसीडर किया और इस मैटर को डिसाइड किया कि वो फ्रेंच गवर्नमेंट का एड्रेस की लेंगे और उसके बाद उनको उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक मशीन और एक एक्सपर्ट जो उस क्रिमिनल का हेड कट कर सके वो उन्हें प्रोवाइड कराए. एंड इट सो वुड द फ्रेंच फाइनली इन्फॉर्म देम व्हाट द कॉस्ट वुड बी और इसके लिए वो हमसे क्या कॉस्ट लेंगे. द लेटर वाज सेंट ए वीक लेटर द रिप्लाई केम. तो लेटर उन्होंने सेंड कर दिया वो पत्र और एक सप्ताह बाद जब उस पत्र का रिप्लाई आया ए मशीन एंड एन एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड एंड द कॉस्ट वुड बी 1600 फ्रांसिस. इसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक मशीन और एक एक्सपर्ट जो है वो हमें भेज देंगे लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी 16000 फ्रांसिस. दिस वॉज लेड बिफोर द किंग. तो राजा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है. He thought it over. मेरे विचार से ये बहुत ज़्यादा है 16000 फ्रांसिस. The rich is not worth the money. तो ये जो क्रिमिनल है ये इतने पैसों के लायक नहीं है. Said he, can't it be done somehow cheaper? By 16000 फ्रांसिस is more than 2 फ्रांसिस a head on the whole population. इसके बाद सब कहते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ये जो 16000 फ्रांसिस है वो यहाँ के प्रत्येक नागरिक के 2 फ्रांसिस के बराबर है. द पीपल वॉन्ट स्टैंड इट एंड इट मेड कॉज ए रियर. उसके बाद लोग खड़े हुए और उन्होंने कोई और कारण ढूंढा. सो आई ए काउंसिल वॉज कॉल्ड टू कंसिडर वॉट कुड बी डन एंड इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड ए सिमिलर इंक्वायरी टू किंग ऑफ इटली. उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेम लेटर जो है सेम इंक्वायरी जो है वो इटली के राजा के पास भेजेंगे. द इटालियन गवर्नमेंट रोट दैट दे वुड हैव प्लेजर इन सप्लाइंग बोथ द मशीन एंड एक्सपर्ट एंड द होल कोस्ट वुड बी 12000 फ्रांसिस इंक्लूड ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस. उसके बाद इटालियन गवर्नमेंट को उन्होंने ये लिखा और इटालियन गवर्नमेंट ने रिटर्न में लेटर सेंड किया और बोला कि वो सप्लाई कर देंगे एक मशीन और एक्सपर्ट तुम्हें और उसके लिए वो जो पोस्ट लेंगे वो 12000 फ्रांसिस लेंगे और साथ में इसमें यात्रा खर्च भी जो है वो इंक्लूड होगा. दिस वॉज चीपर बट स्टिल इट सीम्ड टू मच. इट वुड स्टिल मेन नियरली 2 फ्रांसिस मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस. इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन ये जो 12000 फ्रांसिस जो थे वे भी वहाँ की जो लोग थे वहाँ की जनसंख्या के 2 फ्रांसिस के ऊपर ही थे. अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड. इसके बाद एक और काउंसिल बुलाई गई. दे डिस्कस्ड एंड कंसिडर्ड हाउ इट कुड बी डन विद लेस एक्सपेंस. इसके बाद डिस्कस किया गया और देखा गया कि इससे कम एक्सपेंसेस में हम और क्या कर सकते हैं. Could not one the soldiers perhaps be got to do it in a rough and mumbling fashion. The general was called and was asked, can't you find us a soldier who would cut the man's head off. इसके बाद उन्होंने बोला कि क्या हमारे सेना में से कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को कर सके. उसके बाद जो जनरल थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या तुम ये नहीं कर सकते कि इसका एक सोल्जर्स का सर नहीं काट सकते. इन वार दे डोंट माइंड किलिंग पीपल इन फैक्ट दैट इज व्हाट दे आर ट्रेन फॉर. उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत ही ट्रेंड होना पड़ता है. सो द जनरल टॉक इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब. But none of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. What was to be done? Again, the ministers considered and proposed right.
रिकनसाइडर्ड। इसके बाद सबने मना कर दिया कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी सोल्जर्स जो था वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद ये काम कैसे किया जाए, फिर से मिनिस्टर्स जो थे वो सोचने लगे, समझने लगे। दे असेंबल्ड ए कमीशन एंड ए कमिटी एंड ए सब कमिटी एंड एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग वुड बी टू ऑल्टर द डेथ सेंटेंस टू वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके बाद उन्होंने एक कमीशन असेंबल किया, कमिटी बिठाई और एक सब कमिटी बिठाई और एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे बेटर यही हो सकता है इसकी डेथ के सेंटेंस में, कि इसको उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पूरी लाइफ जो है वो जेल में डाल दें। दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड कम चीपर। तो जो राजा जो थे वो उन्हें लगा, उन्होंने उसके प्रति थोड़ी दया दिखाई और उन्हें लगा कि ये बहुत ही चीपर है। द किंग एग्रीड टू दिस एंड सो द मैटर वॉज अरेंज। द ओनली हिच नाउ वॉज दैट देर वॉज नो सुटेबल प्रिजन फॉर ए मैन सेंटेंस्ड फॉर लाइफ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी सुटेबल प्रिजन जेल नहीं है जो जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ बिता सकी। देर वॉज ए स्मॉल लॉकअप वेयर पीपल वर समटाइम्स केप्ट टेम्पररी बट देर वॉज नो स्ट्रॉन्ग प्रिजन फिट फॉर परमानेंट यूज। यानी उनके पास एक छोटा सा लॉकअप था जिसमें लोग जो हैं वो टेम्पररी कुछ समय के लिए वो रख सकते थे, लेकिन उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जेल ऐसी नहीं थी जिसको कोई परमानेंट यूज कर सके। However, they managed to find a place that would do. उसके बाद उन्होंने एक place ढूंढा and they put the young Sanu there and placed a guard over him. और उसके बाद उस आदमी को जो दंडित था, जो जिसने अपराध किया था, उसको उसमें जेल में डाल दिया और उसके बाद एक permanent एक guard रखा गया। तो इस तरह से जो अपराधी था उन्होंने उसको मारने के बजाय एक जेल का अरेंजमेंट किया और उसको पूरी लाइफ के लिए उस जेल में डाल दिया। दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।